पोस्ट मत दे दो, थोड़ा इंटरेक्शन करो, चिल्लाओ यार, आवाज दो, आवाज दो, हाथ 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 उठा, हाथ उठा, ओए ये आ जा, हाथ उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 ननकाना साहब पाकिस्तान में, इससे हमें बहुत दुख है। जयपुर जी का फतेह। मेरा नाम सरदारनी बसंत कौर है। बेटा जो कल तू वहाँ बैठ के बोला था कि सरदारों को यहाँ से भगाएगा पाकिस्तान में, और हमारे गुरु का नाम लेता है वहाँ पे बैठ के, तेरी औकात को देख। पहले तू जो हमारे गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान को ननकाना बोल रहा, तेरी औकात भी नहीं है हमारे गुरु का नाम लेने के लिए। हमारे बब्बर शेर जो अब हंस रहे हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पे सुनकर। अगर जिस दिन हमारे बब्बर शेरों को जो छेड़खानी तू कर रहा है ना, जिस दिन जाग जाएंगे बेटा, तेरी ईट से तू जो बोला ना, तेरी पत्थर से बजा के देंगे। और एक बात, इमरान खान जो तू हर एक चीज पे आके मीडिया में परसों भी बैठ कर जो जो बातें करा, आज तू क्या कर रहा वहाँ पे बैठ कर? अरे तेरा काम खाली बैट बॉल खेलने से नहीं होता, बैट बॉल तो हमारे गोलीगुड़े के छोटे छोटे बच्चे भी खेलते यहाँ पे। ये बात में तू याद रखना, ये गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता की सिखों में, ये सिखों में इतना दम है बेटा, तेरे को इतना नहीं मालूम। तू ऐसा बोल देगा वहाँ बैठ के कि मैं ये कर दूंगा वो कर, तू कर लिया जब की बात जब, लेकिन हमारा एक सिख 1,25,000 के बराबर जब उतरेगा ना तेरे पाकिस्तान में, बेटा तू दम दबा के भाग जाएगा वहां से। और एक बात, यहाँ साहब हमारे सिखा इतने बोलते मत समझ, हम एक यूनिटी में रहते हैं यहाँ पे। और एक खाली है गोलीगुड़ा अमीर पेट चार मेल की बात नहीं है, ये हमारे सिखों की बात है। और एक बात, हम यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम ये सब नहीं चाहते, और हम दिन निकले तो शाम तक सब इन कॉमेडियों से मिलके काम करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो या तो इमरान खान होगा, मैं उनसे एक ही बेनती करती हूँ, हम सरदारों को ललकार मत। अगर ललकारेगा तो ईट से ईट बचा देंगे, छोड़ तू मर भी जाएगा तो तेरी पाकिस्तान में पता भी नहीं चलेगा, तेरे को ऐसा निकाल देंगे वहां से। बोले आते पर हमारी सीख एक ही थी, जो ये विदेशी हमलावर इस देश में आए थे, इन देश के उन विदेशी हमलावरों को, उन कुत्तों को खत्म करने के लिए हमें प्रेरणा दी गई जैसे गुरुओं ने, और उन गुरुओं के आधार पे हम उन कुत्तों की बातों में नहीं आने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सिख गुरुओं ने जो हमें देश Come on!
पिछड़ो अरे नको चाले तो छोटू बच्ची इधर आ बेटा नहीं नहीं बच्ची अरे पीछे हटो जी जल जाता है एकदम बोले तो सुनो भाई पीछे हटो मैं चेयरमैन गुरुद्वारा साहब भरमवाला शिक्षा निहात महाराजा रंजीत सिंह नगर मैं आज जो पाकिस्तान में ननकाना साहब की बेरहमती जो हुई है भेद भी जो हुई है उसके लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सबसे पहली बात यह है जिसका दीन ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है सबसे पहली बात हमें भी अच्छी तरह पता है क्योंकि हमारा बचपन पूरा पुराने शहर में गुजरा है और कोई मज़हब ऐसा नहीं सिखाता कि किसी मज़हबी इदारे पर उसकी बेइज्जती करें बेरहमती करें आज हमारे जब से हम बचपन से देख रहे हैं हैदराबाद में भी कई दंगे हुए पर किसी सिख ने कोई जाकर गुरुद्वारे मस्जिद पर कोई पत्थर नहीं मारा और किसी मुसलमान में भी कभी आकर कोई गुरुद्वारे पर पत्थर नहीं मारा क्योंकि हमारा प्रेम मिलाप जो है ये सदियों से चला आ रहा है गुरु नानक साहब के टाइम पर भी मर्दाना जी साथ में थे और अमृतसर साहब की जो नींव रखा है शेख मियां मीर जी से जो फाउंडेशन रखाए थे शेख मियां मीर जी से रखाए थे गुरु ग्रंथ साहब में भी सभी भक्तों की वाणी के साथ साथ शेख फरीद जी की वाणी भी है और सदना जी की है भिकन जी की है रविदास जी की है कबीर जी की है और सभी गुरुओं की वाणियाँ भी है मगर जो पत्थर मारने वाला ये सोचना चाहिए कि जो पत्थर मैं मार रहा हूँ वो अल्लाह पाक के घर पर मार रहा हूँ क्योंकि वो घर खुदा का घर है वो घर खुदा का घर है गुरु नानक साहब को वहाँ पर जो मुसलमान है पूरी दुनिया में बाबा नानक के नाम से बाबा पीर बाबा नानक के नाम से मानते हैं जिनकी मज़ार आज भी पाकिस्तान में मौजूद है मैं जो हरकत किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करता हूँ इमरान खान साहब से भी और साथ ही जो हमारा मिलवर्तन प्रेम प्यार है सिख भाइयों से मुसलमान भाइयों का हिंदू भाइयों का क्रिश्चियन भाइयों का जिस तरह आप जरूसलम को मानते हैं मक्का शरीफ को मानते हैं मक्का मदीना को उसी तरह हमारे लिए स्थान ननकाना साहब भी वही मुकद्दस स्थान है हमारा हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं साथ ही सभी से अपील करते हैं कि किसी के बरगलों में ना आए और आपस में प्रेम प्यार से रहकर
दुनिया को ये मिसाल बता दें कि हिंदुस्तान को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और जो कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जो बेरत में थे उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।